हमारे पास है DJI का मिनी 3 ड्रोन। इसे कैसे अनफोल्ड करते हैं, उसको पहली बार फ्लाई कैसे करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। सबसे पहले ये है DJI का RC, स्मार्ट RC। इसको ऑन करने के लिए पावर की को एक बार दबाओ, उसके बाद इसको लॉन्ग प्रेस करो। ये ऐसे बीप की साउंड आएगा, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। ऐसे ही सबसे पहले जो ड्रोन है हमारा, उसका लेंस का प्रोटेक्टर जो है उसको इस टाइप से आप निकाल सकते हैं बाहर। उसके बाद ये जो नीचे वाले जो फोल्डिंग जो हैं, इनको आप नीचे से ऊपर की तरफ ला के फोल्ड करेंगे तो ये खुल जाएंगे। फिर सेम इसी टाइप से ये ओपन हो जाएंगे। ऊपर वाले जो प्रोपाइलर हैं, इनको आप सिंपली पीछे की तरफ इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसे भी चालू करने के लिए आप एक बार पावर की को दबा के फिर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव होगा, उसके बाद इसको फ्लाई कैसे करना है उसके बारे में बता देते हैं। ये जो हमारा RC है, इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश होने देते हैं। सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है। ये गिम्बल का हो गया है प्रोटेक्शन, ठीक है, ये हो गया है। ये हमारी जो ड्रोन है उसकी बैटरी 95% चार्ज है और 75% के आसपास हमारे ये RC चार्ज है। तो ये चेक कर ले कि सबसे पहले ये प्रॉपर चार्ज है या नहीं। अभी हम सैटेलाइट का थोड़ा सा वेट करते हैं। 4 सैटेलाइट यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। रेड लाइन है, इसको थोड़ा सा बढ़ने देते हैं, 10 हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ने देते हैं, उसके बाद हम इसको फ्लाई कर लेते हैं। 11 आ गया, ये होम पॉइंट अपडेट हो गया। अब इसको फ्लाई करते हैं। तो फ्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसको अपने हाथ में ले लेता हूँ, ठीक है। अब हाथ में लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पर RC के अंदर आप देखेंगे तो RC के अंदर आपको यहाँ पर एक, ये इधर देखिए आप, थोड़ा सा RC के अंदर यहाँ पर आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा जहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ टेक ऑफ का ऑप्शन आएगा। और टेक ऑफ करने के लिए इसको लॉन्ग प्रेस करके रखिए। जैसे मैं इसको टेक ऑफ करने के लिए इसको लॉन्ग प्रेस कर देता हूँ तो ये इस टाइप से टेक ऑफ हो जाएगा और 1 मीटर के बाद जाके ये अपने आप रुक जाएगा। टेक ऑफ में ये 1 मीटर के पास जाके ये अपने आप रुक जाएगा। अब इसके बाद ऊपर लेने के लिए आपको ये राइट वाली जॉयस्टिक है, इसको ऊपर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और राइट वाली जॉयस्टिक को नीचे करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर ज़्यादा नीचे करेंगे तो यहाँ धूल है तो धूल उड़ेगी, तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब इसको फ्लाई करते हैं और थोड़ा सा हाई पर लेके जाते हैं। चलिए, इसको ऊपर लेके जाने के लिए इस जॉयस्टिक को अपन ऊपर की तरफ लेते हैं तो वो ड्रोन ऊपर चल जाएगा। ये सीने मोड में है तो सीने मोड में थोड़ा स्लोली जाएगा। जब अपन नॉर्मल मोड में कर देते हैं तो नॉर्मल मोड में थोड़ा सा मीडियम स्पीड में चला जाता है, ठीक है, दिख रहा है आप? हमारा ड्रोन चला गया है हमसे, हमारा ड्रोन हमसे 115 मीटर की हाइट पे और 304 मीटर की दूरी पे चला गया है। 115 मीटर की हाइट और 304 मीटर की दूरी पे, जैसा ड्रोन में शॉट में मैंने इसको जॉयस्टिक को नीचे कर दिया है, बिल्कुल उसके गिम्बल को नीचे कर दिया है। अब इसको और हाई पर लेने जाना है तो 115 से हाइट बढ़ाने के लिए ये यहाँ से बढ़ रही है, देखो 115 से 116, 17, 18, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हाइट पर चला गया है, ठीक है। डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं, 303 मीटर डिस्टेंस पर चला गया है और अभी हाइट्स हो गई है 161 मीटर। अब इसको वापस लेके आ जाते हैं क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, बाकी आप धीरे धीरे इसको जब ट्राई करेंगे तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। चलिए, अपने वापस इसको अपनी जगह पर बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये जो H और पोज वाला बटन है इसको आप दबाते हैं तो ये H मतलब होम पॉइंट पर आ जाता है, मतलब जहाँ से ये इसने फ्लाई किया था वहाँ पर ये आ जाता है वापस। तो हम इसको सबसे पहले मैन्युअली लेके आते हैं। जब ये हमारी तरफ लेके आना है तो ड्रोन का मुँह हमारी तरफ था, तो हम इसको जैसे पीछे की तरफ करेंगे तो ये हमारी तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये आ रहा है। ये गाड़ी जो खड़ी है हमारी गाड़ी खड़ी है, ये मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये जो गाड़ी खड़ी है ना ये हमारी गाड़ी खड़ी है, तो यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट फोकस कर रखा है हमने, यहाँ पर हैं हम। तो ड्रोन हमारा आ रहा होगा, 172 मीटर की हाइट पर है, ड्रोन हमारे ऊपर ही आ गया है, बोलो। तो वो देखिए ऊपर आसमान की तरफ वो रहा हमारा ड्रोन, इसको हम बिल्कुल नीचे लेके आ जाते हैं। स्पोर्ट्स मोड में कर लिया ताकि ये फास्ट नीचे आ जाए।
अभी रिटर्न टू होम का बटन कैसे काम करता है, अगर रिटर्न टू होम पे जैसे हमने इसको इमरजेंसी लैंडिंग करवानी है तो रिटर्न टू होम के लिए ये वाला बटन काम करता है, लेकिन यहाँ पर धूल ज़्यादा है तो हम इसको नहीं करेंगे, तो हम इसको मैनुअली नीचे उतार देते हैं। तो जे जहाँ पर है वहाँ से थोड़ा सा नीचे लेके हम नीचे, धूल ज़्यादा है तो हम इसको हाथ के ऊपर ही उतार देते हैं, तो यहाँ से हम पास में लेके आ जाते हैं। जैसे मैं अपने हाथ पर ही इसको लैंड कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा मैं अपनी तरफ लेके आ जाता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ लेके आ जाता हूँ, थोड़ा इस साइड लेके आ जाते हैं तुम इसको, तो ये लैंड हमारे हाथ में हो गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।